सुबह उठते ही इस प्रकार से अपनी इच्छा बोल दो, ब्रह्म मुहूर्त में आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। मैंने बहुत 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 काम किया है, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, हमारा डेली मेडिटेशन भी होता है 3:30 से। तो ये मेडिटेशन लगभग 3 साल से चल रहा है। तो अब मैं जो आज कहने जा रहा हूँ ये बेहद कीमती चीज है। लोग पूछते हैं कि अगर मैं अपनी कोई भाव, अपनी कोई समस्या का समाधान चाहता हूं तो वो किस प्रकार से मेरा समाधान मिले। इसके लिए मैंने पहले भी एक 5x55 टेक्निक शेयर की थी, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। आज मैं उसी का यूज आपको करके बताऊंगा कि किस प्रकार से 5x55 टेक्निक के द्वारा और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप इस चीज को बड़ी आसानी से, किसी भी विश को पूरा करने में एक बहुत ही पावरफुल एटमॉस्फेयर बना सकते हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, एटमॉस्फेयर हम बना सकते हैं जिससे यूनिवर्स डेफिनेटली आपको उसका समाधान देगा। अब कोई भी समस्या हो सकती है जिसका आप समाधान चाहते हैं, कोई भी आपकी विश हो सकती है। उदाहरण के लिए आपको ये विश है कि शादी इस ड्यूरेशन में शादी हो जाए, मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, मेरे पास ये कर्ज से मुक्ति मिल जाए, या इस जगह पर मेरा एडमिशन हो जाए, ऐसी कोई भी आपकी विश हो सकती है। तो उस चीज को आपने क्लियर कट एक बार लिख के रख देना है, उसमें डेट और टाइम जरूर डाल दीजिएगा, मतलब अगले 3 महीने में एग्जैक्ट टाइम के साथ बोलिए कि जनवरी 20 तक मेरी एक अच्छी नौकरी लग जाए जिसमें मुझे कम से कम 30,000 की सैलरी मिले। अब वो चीज लॉजिकल होनी चाहिए, ये याद रखिएगा, जो भी आप मांगे वो लॉजिकल होनी चाहिए, एकदम हवाई बातें नहीं है। तो जो भी कीजिएगा एक लॉजिकल से ऐसा होना चाहिए। आपने अपनी विश को सोच लिया, लिख लिया, अब इसको करना क्या है। ब्रह्म मुहूर्त का समय बेशकीमती होता है, 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है, ऐसा मतलब जो सूर्योदय का समय उससे लगभग ढाई घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। तो नॉर्मली इसको हम 3 बजे से मानते हैं, तो 3 से 6 बजे का टाइम जो है ना वो ब्रह्म मुहूर्त में गिना जाता है। 3 से 5:30 लगा लो या 3:30 से लगा लो, थोड़ा माइन्यूट फर्क है, लेकिन 3 बजे, 3 से 6 हम ब्रह्म मुहूर्त मान लेते हैं। ऐसा बिल्कुल प्रैक्टिकल है और इसमें आज तक हजारों प्रयोग किए हैं जो सफल हुए हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये ऐसी ही टेक्निक है, बहुत ही गजब की चीज है। करना क्या है, अपनी विश को आपने क्लियरली डिफाइन कर लिया, विश जो है वो लॉजिकल विश है, आपने उस पर एफर्ट डाले हैं, आप चाहते हैं कि ऐसा हो, परमात्मा डेफिनेटली आपको उसके लिए रास्ता खोल के देगा। विश तुरंत पूरी हो जाएगी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि रास्ते जरूर खुल जाएंगे वहां तक पहुंचने के। अब क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है, करना कैसे है, आपको 55 टाइम्स दोहराना है। क्या दोहराना है, अपनी विश को दोहराना है। कैसे दोहराना है, आपको श्वास के साथ, श्वास हमारी जो प्राण ऊर्जा है ना, ये प्राण ऊर्जा हमारे रोम रोम में समाहित होती है। आप सभी समझते हैं इस बात को अच्छे से, जब हम श्वास लेते हैं तो प्राण ऊर्जा हमारे रोम रोम में समाहित होती है। तो हम इनहेल करें और उसे पेट में होल्ड करें, अपनी श्वास को होल्ड करें और उस समय में अपनी विश को एक बार दोहराएं। ऐसा कितनी बार करना है, ऐसा 55 टाइम्स करना है। कितने दिन तक करना है, 5 दिन तक। एक बार में 55 टाइम्स किया, लगभग आप इसे 10 मिनट कर लें तो भी चलेगा, 10 मिनट अगर टाइम पीरियड से देखें तो लगभग ऐसा, वरना श्वास को रोक के उसकी काउंटिंग आप जारी रख सकते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 55 टाइम्स आप साथ में काउंटिंग ऐसे कर सकते हैं या माला से कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो 55 टाइम्स आपने करना क्या, लंबी और गहरी श्वास को लिया, पेट में श्वास को भरा और अपनी विश को दोहराया। अपने विश को बिल्कुल ऐसे मन में रिपीट करना है, जनवरी 20 तक मेरी कम से कम 30,000 वाली नौकरी लग जाए, 20 जनवरी तक। फिर से श्वास को छोड़ दिया, ये बोला आपने, फिर से वही बात, 20 जनवरी तक मेरी कम से कम 30,000 वाली जॉब लग जाए, मेरी जॉब लग चुकी है और मैं बहुत खुश हूं, फिर से श्वास को छोड़, फिर से श्वास लिया, पेट में श्वास भरा, 20 जनवरी तक मेरी 30,000 से ज्यादा वाली जॉब लग चुकी है और मैं बहुत खुश हूं, ऐसा कहके आपने अपनी प्रार्थना करी। जब आपने ये प्रार्थना करी तो ये बात जो है वो परमात्मा तक पहुंच जाती है। आपने 55 टाइम्स ऐसा करना है एक बारी में और ऐसा 5 दिन तक लगातार करना है। आपको उससे पहले ही डेफिनेटली आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे।
रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। मैंने विश पूरी करने का अर्थ क्या है, रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे कि वहां तक पहुंचा कैसे जाए। और डेफिनेटली इसके इतने गजब के रिजल्ट हैं। लोग कहते हैं लिखने में, इसी से लिखने में भी किया जा सकता है कि आप 55 टाइम्स लिखें अपनी विश को, और इसी को इस तरीके से भी किया जा सकता है। और ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए इसके गजब के रिजल्ट हैं। अभी हमने एक प्रयोग किया था, 63 डेज का एक प्रयोग किया था, उसमें से 5x55 टेक्निक नंबर 1 निकल के आई है कि लोगों ने, जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उसमें 130 के करीब लोग थे, और उन्होंने हमने खास चीज पे कोई प्रयोग करके देखा था कि वो विश पूरी होती है, रास्ते खुलते हैं कि नहीं खुलते। उसमें से 115 लोगों का ये कहना था, लगभग 10-12 लोग मिस हो गए, मतलब 15 लोग मिस हो गए, 115 लोगों का लगभग ये कहना था कि हाँ ये चीज हमारे लिए काम की है। तो ये बहुत गजब की चीज है, प्रैक्टिकल है, करके देखिए, रिजल्ट आएगा, जरूर आएगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।